हे अमेजियंस, कल की वीडियो में हमने हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में सीखा था। आज हम टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है, जिसमें नंबर 1 होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि सड़े गले हुए जो भी चीज़ें होती हैं, सड़ी गली हुई, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी बॉडी से अपना भोजन गेट करते हैं। एग्जाम्पल है मशरूम। नेक्स्ट टाइप है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसा, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होस्ट की बॉडी में रह करके उससे अपना भोजन लेते रहते हैं या उससे अपना फूड लेते रहते हैं। एग्जाम्पल है इसका राउंड वर्म। राउंड वर्म जो है इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एक वर्म है, जो इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको गेट करता रहता है। एंड द 3 एंड लास्ट टाइप इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं और उसी का उनकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है डाइजेशन के आफ्टर। सो इसके एग्जाम्पल हैं कैट, डॉग एंड मैन। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये 3 टाइप के होते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो सड़ी गले चीज़ों से अपना फूड लेते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होस्ट की बॉडी में लेके ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में एनिमल्स जो है अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं फूड का।